बताओ, एक हल्दी की रसम और दूसरी क्या, मेहंदी की रसम और क्या, मंजा, मंडवा, साचक, बरी, जुमागी और क्या होते, हाँ तेल चढ़ाना और क्या चढ़ाना, हाँ हाँ ये सब देखो ये कितनी रिस्में रस्में हो रही, आप लोग गौर करो, आप लोग गौर करो। मैं कुछ मिसालें भी देता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के शादियों की। देखिए इन रस्मों में सिवाय गंदगी और बुराई, बेपर्दगी, खुराफात के कुछ भी नहीं है, जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह के लिए गौर करना, अगर हम लोग गौर करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हल्दी की रस्म के नाम पे होता, क्या होता भाई हल्दी के रस्म बोले तो, हाँ देखिए अब दूल्हे को दूल्हा बनाना पहले है ना, पांच दिन पहले मंजा डालना, मंजा डाल के क्या करना, पांच दिन अब तू घर में बैठना, बाहर नहीं निकलना, गांव को नहीं जाना, तू दूल्हा बन गया। दूल्हा बना बोले तो क्या करना, अब उसको रोज रात को हल्दी लगाना, सुबह पानी हिलाना। अब हल्दी लगाने के वैसे कौन आते, अब उन्हें ऐसा लुंगी बन लेके, बनीन पहन लेके बैठता है, ऐसा कुर्सी पे बिठा के बीच में और मंडवे के सामने उसमें बिठा के क्या करते, अब उसको हल्दी लगाते, हाँ लाल कपड़ा बांधते फिर उसके ऊपर, हाँ वो लाल कपड़े के बीच में नींबू नहीं तो 2 रुपए कुछ तो भी रखना, रख के अब आके वो हल्दी नहीं, खामोशी के साथ सुनो, अब क्या हो रहा, अब उसको धूल, उसको अब कौन लगाना, हल्दी लगाना। हल्दी लगाने के वैसे कौन, भाभी आके हल्दी लगाती, हाँ सालिया आके हल्दी लगाते, खालेरे भाना आके हल्दी लगाते, कौन कौन हल्दी, खाला, फुप्पू, क्या भाभी देवर का जिस्म टच कर सकती, क्या साली मुमेरी बहन ये लोग आके जिस्म ऐसा छू सकते, टच भी नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई मर्द किसी दूसरी औरत, गैर महरम औरत को अगर जिस्म को एक मर्तबा छिया, छू लिया, इससे बेहतर है कि वो एक कीला या सलाख लेके अपने सर में मार लेना, ये बेहतर है। कितना बड़ा गुना, अपने सर में कीला सलाख मार लेने से भी बहुत बड़ी गलती और गुना, खतरनाक चीज ये है कि कोई मर्द किसी गैर महरम औरत को टच करे, इतना बड़ा गुना है। आज वो फिर कैसी कैसी बातें बोलते हुए लिपते रहते हैं उसको, वो बातें भी बेशर्मी बेहयाई की बातें, ऐसा लिपते हुए, हाँ अरे कई को भाई शादी बोले तो हल्दी कई को याद आती, मेरे को ये भी समझ में नहीं आता। अब लोग इसके ऊपर एक दलील भी देते, बुढ़िया जो ना कैप्टन, हाँ कैप्टन बन जाते, क्या बेटा कई को तू दूल्हा है ना, गोरा दिखना, दुल्हन बन रही ना अब गोरी दिखना, हल्दी कई को लगाते, खाली गोरी दिखना बोल के लगाते, गोरा दिखना बोल के लगाते हो ताज, ये एक दलील देते। अच्छा गोरा दिखना बोल के अभी कई को याद आया इसको, हाओ गोरा दिखना बोल के अभी कई को याद आया शादी में, हालांकि इन्हें दिखता भी नहीं गोरा, दिखता इन्हें सेहरा बांध लेके रहता ना, मुंह छुपा लेके रहता, इन्हें किसको दिखाता बोल के गोरा बोल, अगर तेरे को गोरा बनना है, अगर जिस्म पे क्या है भाई हल्दी लगाने से कुछ कलर फेर होता तो तू अकेला जाके लगा ले, हमाम में बैठ लगा ले कि एक घंटा पूरा लीप लेते बैठना, सुबह शाम में गोरा होना बोल के हमाम में बैठना, आके सालियां क्या लीपेंगे, भाभियां क्या लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई। हल्दी लगाना है तो अकेले लगा लो, दूल्हा है अकेले लगा ले वो जाके, दूसरे लगाना ये हल्दी की रस्म के नाम पे जो होता ये बिल्कुल इस्लामी नहीं है, ये कभी भी नहीं होगा, समझ रहे ना, मुसलमान की शादी में ये जायज नहीं है। फिर इसी तरह मेहंदी की रस्म, मेहंदी की रस्म क्या है भाई, मेहंदी की रस्म के नाम पे शादी से एक दिन पहले, हाँ या नहीं तो शादी के दिन क्या करते, मेहंदी लेके, हाँ किसको उंगली के लगाना, किसकी उंगली को, दूल्हे के, कौन लगाना, साली लगाना, देखो कितना अच्छा है, देखो हाँ साली लगाना, सबको मालूम है साली लगाना। अब देखो अब यहाँ पर तुम सोचो, थोड़ा अपने दिल से सोचो, अपने दिल से सवाल करो, ये दिल भी बहुत बड़ा मुफ्ती है, ये फैसला करता है सही क्या है गलत क्या है, चाहे अपनी जुबान गलत बोले लेकिन दिल बोलता। एक नौजवान लड़की को जिसकी अभी एक साल दो साल में शादी होना है, फिर इसके जैसे वही उम्र की नौजवान लड़कियां, खलेरी बहने, भुपेरी बहने, मुमेरी बहने, सबको बेपर्दगी के साथ पूरी ड्रेसिंग करा के, मेकअप करा के, उसमें प्लेट में मेहंदी वगैरह पाउडर वगैरह दे के दूल्हे के पास भेजना, ये बेशर्मी नहीं है, बेहयाई नहीं है, क्यों उस वक्त पर्दा करना क्यों याद नहीं आता। अच्छा जिस दूल्हे के पास जाती है और दूल्हे के पास जो ठहरे हुए हैं उन लोग कौन रहते, बुढ़े रहते सब,
सब बच्चे उच रहे थे। अभी नहीं, इसके खलेरे बहना को, भूपेरे बहना को कैसा लेके जाती कि उसके भी उनोच रहे थे सब, खलेरे भाया फूफेरे भाया। अब उनका इनका दोनों का चलते रहता। हाँ, हमारे को उंगली पकड़ लेके, हम इतने सालिया हैं, कितने, अब हम पूरे ढूंढ के ले गया कि 10 सालिया हैं हम, अब 10 को 10,000 रुपए देना, पकड़ लेके बैठते हैं। अब उन्हें उन्हें खागा सान देता, उन्हें कागज लगा के देता, उसमें क्या तो भी लगा के देता, ये करता वो करता, क्या है भाई ये शर्म। अब उसमें वीडियो निकालने वाले तो और बड़े अच्छी तरीके से वीडियो निकालते। एक भाई उसकी बहन को गांव को जाने के लिए बगैर बुरखा पहना के नहीं लेके जाता, यहाँ शादी में उसकी बहन को भेज रहा, जा बेटा जा जा, होना सब नेक मुत्तकी परहेजगार नमाजी सब अच्छे हैं, मुलसाबान जाके उसकी उंगली पकड़ बोल के भेजता, सब बदमाशा वहां रहे। सुनो, वो बदमाशा के पास ये औरतों को भेज रहे हैं बगैर बुरखे के। अब उन्हें जाके फिर पकड़ लेती, वो उंगली पकड़ने की भी पहले सीख लेते, ट्रेनिंग लेते, नहीं कैसा पकड़ना, जल्दी पकड़ना, हाँ, और पकड़े तो छोड़ना नहीं, उन्हें कितना छुड़ा लिए तो भी नहीं छोड़ना, वैसा ट्रेनिंग लेके सीनियरिटी वालों को पूछ पूछ के जाके पकड़ते, ऐसा घच के दबा के पकड़ना, छोड़ना नहीं उन्हें पैसे दिए तक। अब जाके क्या बोलती फिर साली, भाईजान, भाईजान ही बोलती ना, अभी शादी हुई नहीं, अभी उन्हें भाईजान भी नहीं बना, अभी नहीं बना भाईजान उन्हें, जब तक अभी निकाह नहीं हुआ भाईजान भी नहीं बना उन्हें, ठीक है ना। शादी से पहले जाके बोलती, भाईजान अब तुम्हारी उंगली नहीं छोड़ती, तुम्हारे को छोड़तीच नहीं, मैं आप बोलती हूँ। हालांकि ये बात कौन बोलना, उसकी दुल्हन बोलना, शादी के बाद बोलना, ठीक है जी मैं तुम्हारे से शादी कर ली, अब तुम्हारे को नहीं छोड़ती बोल के उन्हें बोलना, उससे पहले सालिज बोल रही मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ती करके, ये कौन सा तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है, समझ रहे ना। साली कभी भी उसके भाईजान की उंगली भी नहीं पकड़ सकती, ना शादी के बाद ना शादी से पहले। मैं हदीस सुनाया आप लोगों को, कितना खतरनाक ये गुनाह है, समझ रहे ना। तो ये एकदम बेहयाई है, ये बेशर्मी वाले काम है। तो ये हल्दी के रसम के नाम पे भेजना हो या इस तरह, नहीं भाई मजाक है, थोड़ा बच्चों का एंटरटेनमेंट है, नहीं नहीं बच्चों का एंटरटेनमेंट मजाक नहीं, इसके जरिए से कई फितने होते, हालांकि ये इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, तो ये इस्लाम के खिलाफ एंटरटेनमेंट खुशी जायज नहीं है। अल्लाह के लिए इस बात को याद रखना।